है हिंट 24 टीवी। विषाक्त भोजन खाकर मरे सूरज वनवासी उम्र 24 वर्ष ग्राम रनापुर सिरौली की पत्नी गुड्डी से शोक संतृप्त परिवार से दुख पूछने पहुंचे समाज सेवी जस सिंह अन्ना। गुड्डी प्रेग्नेंट है। पिलकथुआ गांव ब्लॉक बरसठी अन्ना ने शोक संतृप्त परिवार को ढाढ़स बढ़ाया, जहां गुड्डी ने बताया कि हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है और हमारी सिर्फ माता ही हैं और एक नाबालिग भाई है। ससुराल में पति सूरज एक्सपायर कर गए हैं। हमारे नाम से न ही आधार कार्ड है और न ही हमारे नाम से राशन कार्ड है और न ही मेरे पास आवास है। इस तरीके से मुझे मायका में पिलकथुआ ग्राम सभा में ही गुजारा करना होगा। गुड्डी ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जिलाधिकारी जौनपुर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बरसठी वीडियो राजन राय चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह एवं ग्राम सभा प्रधान पिलकथुआ हरिश्याम शुक्ला जी से आग्रह करूंगी कि मेरी आर्थिक मदद करें और सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं हो हमारे पास तक पहुँचाए जाए और मुझे भविष्य का राह बताएं। वहीं समाज सेवी जस सिंह अन्ना पिलकथुआ ग्राम सभा में पहुँच कर मुसहर बस्ती में लोगों को सलाह दिए कि बीमारी के समय सीधे डॉक्टर के पास पहुँचे, किसी भी तरीके की झाड़ बुक के चक्कर में न पड़े। बरसठी के समाज सेवियों से ये अपील करूँगा, क्या ऐसी स्थिति में गुड्डी वनवासी लड़की पिलकथुआ को आप सभी कोई न कोई आर्थिक मदद जरूर करें। रनापुर के निवासी हैं, अभी चार फूड प्वाइजिंग खा करके वहाँ पे भोजन विषाक्त भोजन खा करके चार लोग मरे हैं। तो तुम यहीं की निवासी हो, यहाँ माता तुम्हारी यही है, हाँ, और वहाँ शादी हुई तो बिटिया वहाँ से गई थी तो वहाँ पे भोजन खूब बना था, यहाँ वाले नहीं खाए से जो गए थे वो लोग नहीं खाए और उधर वाले खाए थे बीमार हो गई। तो उस समय तुम थी वहाँ, तो एक छोटी सी बच्ची 2 वर्ष की वो भी बीमार हो गई थी, तो उसको क्या हो रहा था, उल्टी दस्त हो रहा था क्या, पता नहीं उल्टी दस्त। हाँ, और जो एक नेमा थी महिला थी, तो तुम वहाँ से कब आए, सूरज के साथ यहाँ चली आई थी रात में कि दिन में आते हुए कि दिन में 4 बजे दिन में दूसरे दिन आई थी क्या, वही दूसरे दिन शाम को शिकार कटा था करके कटा रहा। हाँ, तो इस तरह से हम यह कहना चाहते हैं कि यह जो है प्रेग्नेंट है, जो अभी सूरज नाम का लड़का वहाँ रनापुर में एक्सपायर हुआ मुशहर वासी बस्ती का, तो इसके पिता भी नहीं है, पिता के एक्सपायर करके मर गए, पिता भी नहीं है। तो इस उम्र में ये डिलीवरी महिला के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय जिलाधिकारी जौनपुर, आपके लिए क्या योजनाएं हैं? अगर आपके लिए इन महिलाओं के लिए कोई योजनाएं हो तो आप विशेष पैकेज की कोई घोषणा करें। अब इसके पास न तो पिता है और न तो पति है, तो दोनों इसके एक्सपायर हो गए हैं, तो अब इसका गुजारा भत्ता कहाँ से चले, और राशन कार्ड है, राशन कार्ड सूरज के नाम से नहीं बना था, सूरज के नाम से राशन कार्ड भी नहीं है, तो अब यह कैसे खाएगी और इस तरह से अपना बच्चा कैसे पालेगी? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए आप कोई उपाय सोचें, और माननीय जिलाधिकारी महोदय जौनपुर आप कोई उपाय सोचें कि जिससे कि यह बच्ची अपने पैदा होने वाले बच्चे का भरण पोषण कर सके। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सरोजा। तुम्हारी एक बिटिया खत्म हुई है, बेटा बिटिया कई वर्ष की थी? 7 वर्ष का। हाँ, उसको क्या क्या हुआ था? कुछ नहीं खा रहा है। तब कुछ तो सिर्फ पेट भर पिरात रहा। पेट पिरात रहा। खाना खाए रही? खाना खाते रहे। वही मीट मांस जो बना रहा? हाँ, खाए रहे रच, अच्छा के खाए। हाँ, ये करे बात पेट फिराएगा।